हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक फ्लावर्स एंड प्लांट्स से फिल्ड कंटेनर है और ये इसके बारे में मैं बताऊंगी, इसके डायमेंशन के बारे में, क्या क्या प्लांट्स हैं। ये एक मिनी जंगल है और एक गार्डन इन इटसेल्फ है, बहुत ही खूबसूरत, और तमाम प्लांट्स इसमें लगाए हुए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्लांट हैं इसमें। ये सीमेंट का है और इसको पेंट वेंट करके मैंने खूब अच्छे से सजाया हुआ है। और इसकी डायमेंशन बता देती हूँ इस कंटेनर की, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक 3 फीट का है और इसकी नीचे डेप्थ ऐसे करके 1 फीट है और ये चौड़ाई यहाँ से वहाँ तक इसकी ये भी 1 फीट है। तो ये देखिए 3 फीट लंबा है यहाँ से वहाँ तक। तो मैंने कई बार सोचा कि क्या क्या लगाऊं, तो फिर लगा कि एक जंगल लुक देना चाहिए गार्डन को, एक ही कंप्लीट गार्डन इन इटसेल्फ है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है अगर आपके पास छोटी बालकनी, छोटा टेरेस, या आप स्पेस सेव करना चाहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लाइक करते हैं, बहुत प्लांट्स रखना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे तरह के कोलियस लगाए हैं। एक तो ये कोलियस है ये वाला, एक ये टाइप का कोलियस है, एक ये पिंक बीच में है ये वाला है, एक ये इस टाइप का है। तो कई सारे कोलियस है, एक इस टाइप का भी है, ब्राउनिश कलर का है, एक ये ग्रीन है, बहुत सारे तरीके के कोलियस है। और ये मैं दिखाती हूँ, ये मैंने लगाया था कई दिनों पहले कटिंग से। ये देखिए, ये जो पिक दिख रहे हैं ये वाली पुरानी पिक है। ये जो पिक दिखा रही हूँ ये 1 मंथ पहले की है, जब ये कोलियस के और अलग अलग प्लांट्स की कटिंग यहाँ पर लगाई थी मैंने। इसको हो गया 1 मंथ। पॉटिंग सॉइल में मैंने लिया था 1/4 सैंड, 1/4 कोकोपीट, 1/4 गार्डन सॉइल और 1/4 कंपोस्ट, नीम खली और बोन मील के साथ, और ये कंटेनर भर के रखा हुआ था। और कुछ और प्लांट्स इसमें लगाए थे, जैसे पर्सिलिन के प्लांट लगाए थे, छोटे छोटे पीसेस लगा दिए थे उनके कटिंग काट के। अब इसमें और प्लांट्स बताती हूँ, बहुत सारे तमाम प्लांट्स लगाए हैं। ये तो पोचलका है, सॉरी पर्सिलिन है। पर्सिलिन की जो ये लीव्स होती हैं थोड़ी चौड़ी सी होती हैं, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स इसमें आते हैं, ये पूरे में स्प्रेड कर गया है। तो जब ये कोलियस बड़ा हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ रहेगा और बॉटम्स इसके एकदम कवर्ड रहेंगे। ये मदर ऑफ मिलियंस है, ये एक कलेंचू या कलंकोई का प्लांट है, बहुत ही प्रिटी है ये। इनफैक्ट ऊपर पैरापेट पे मैंने एक प्लांट रखा हुआ था, उसी से गिर के अपने आप हुआ हुआ है ये। इसकी जो ये प्लांटलेट्स हैं ये ऊपर होती हैं, ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये इसका एक ये प्लांटलेट है। ये जो लीफ के चारों तरफ लगे हुए हैं ये सारे इसके छोटे छोटे प्लांटलेट्स हैं, और जब ये मैच्योर होते हैं अपने आप गिरते हैं और प्रोपोगेशन हो जाता है इनका। इसका भी ऐसा ही है। इसके जो ये टिप है, ये देखिए, ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ एक, ये देखिए ये वाला एक, ये देखिए ये एक छोटा सा प्लांटलेट है, बस ये गिरेगा और वहीं पर एक प्लांट हो जाएगा, इतना ईजी है। ये जो है ये अम्ब्रेला पाम है, ये भी बहुत प्रिटी लगता है। ये देखिए, ये पूरे इसके बीच बीच में भी ये वाला प्लांट उगे हुए हैं पूरे। तो ये बहुत ही प्रिटी एक कंटेनर है, आप भी इस टाइप से कर सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे प्लांट्स लगाना चाहते हैं कि एकदम ही पॉटिंग सॉइल दिखे ही ना इसकी एकदम। और ये कलरफुल हो, हर तरह का कलर है, येलो है, ग्रीन है, मैजेंटा है, सारे कलर्स हैं। और जब ये पर्सिलिन के फ्लावर्स आ जाते हैं तो कलरफुल और ज़्यादा हो जाता है, मगर इसके लिए वेट करना पड़ता है, ये जब सन निकलता है तभी ये खिलते हैं। और ये अम्ब्रेला पाम तो वैसे ही बहुत अच्छा लुक देता है, अभी ग्रोथ शुरू हुई है, मैं इसकी कुछ दिन बाद दोबारा डेवलपमेंट दिखाऊंगी। अब कोलियस की ये केयर है कि जैसे जैसे ये बड़ा होता जाए इसको ऐसे ऐसे पिंच करना पड़ेगा, हल्की सी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये बुशी प्लांट बना रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है कोलियस में कि इसकी ब्यूटी मेंटेन करने के लिए इसको पिंचिंग करते रहें। तो ये बहुत ही प्रिटी एक कंटेनर जो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये आप रख सकते हैं अपने
गार्डन में इस टाइप के प्लास्टिक के कंटेनर्स भी मिल जाते हैं, बड़े कंटेनर्स, और उनमें आप राउंड सर्कल में, स्क्वायर में, कई साइजेस में मिलते हैं। तो ये आप ट्राई आउट कर सकते हैं, ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स छोटी स्पेस में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।